मेरा देश मेरा प्रदेश न्यूज। नेमावर में आदिवासी परिवार की चार माता बहनों के साथ बलात्कार कर हत्या करने की घटना की सीबीआई जांच कर पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी प्रदान की जाए। साथ ही मामले में लापरवाही करने वाले पुलिस अधिकारियों पर उचित कार्रवाई कर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाया जाए। यह बात सरदारपुर विधायक प्रताप ग्रेवाल द्वारा गुरुवार को नेमावर घटना के संबंध में आदिवासी समाज सरदारपुर द्वारा देश के राष्ट्रपति के नाम पर सौंपे गए ज्ञापन के दौरान कही। ज्ञापन में बताया गया कि देवास जिले के नेमावर थाना अंतर्गत 29 जून 2021 को सनसनीखेज खुलासा हुआ, जिससे आदिवासी परिवार की गुमशुदगी करीब 1.5 माह पूर्व से दर्ज थी। गुमशुदा 5 आदिवासी परिवार के सदस्यों में से 4 माता बहनों में 2 नाबालिग बहनों को मिलाकर चारों माता बहनों के साथ करीब 18 लोगों द्वारा सामूहिक बलात्कार कर उनके हत्या कर दी एवं अपनी बहनों की तलाश में गए एक नाबालिग भाई की भी उन बलात्कारियों द्वारा जघन्य हत्या कर दी गई। और बलात्कार एवं हत्या की घटना को उजागर नहीं होने से उद्देश्य से आरोपीगण द्वारा अपने ही खेत में 10 फीट गहरा गड्ढा खोदकर उसमें खाद एवं नमक डालकर उनकी लाशों को दफना दिया गया, ताकि उनकी शिनाख्त और पहचान न हो सके। सभी 18 से 20 आरोपित हत्यारों को मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार के नेताओं द्वारा आरोपित के बचाव करने एवं देवास कलेक्टर, एसपी, एसडीओपी तथा नेमावर पुलिस थाने के थाना प्रभारी द्वारा लापरवाही बरतने एवं लगभग 1.5 महीने तक आरोपियों को संरक्षण देकर उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई। हमारी मांग है कि आरोपी पर एट्रोसिटी एक्ट एवं पास्को एक्ट के अंतर्गत फास्ट्रैक कोर्ट में सुनवाई की जाकर तत्काल फांसी की सजा दी जाए। साथ ही पीड़ित परिवार के सदस्यों को 1-1 करोड़ की आर्थिक सहायता, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी प्रदान की जाए। इतने जघन्य अपराध के अपराधियों को देवास पुलिस द्वारा संरक्षण देने पर उनके विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाए एवं मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा संरक्षण प्रदान करने के कारण प्रदेश के मुख्यमंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। ज्ञापन का वाचन अनिल नरवे द्वारा किया गया। वहीं इसी मामले में जय संगठन ने भी ज्ञापन दिया। सरदारपुर से विक्रम सिंह चावड़ा की रिपोर्ट। आज आपके द्वारा यहाँ पर ज्ञापन दिया गया, किस संबंध में ज्ञापन दिया गया? विगत दिनों नेमावर के देवास जिले में जो घटना घटित हुई है, आदिवासी परिवार के 5 सदस्यों को बलात्कार करके उनको जमीन में गाड़ दिया गया था। ऐसे दोषियों को तत्काल फांसी हेतु फास्ट ट्रैक कोर्ट में यह चलाकर तत्काल फांसी दिलाने हेतु मुख्यमंत्री महोदय के नाम और दूसरे अन्य विभागों में ये आवेदन सरदारपुर SDM महोदय को सौंपा है। और साथ ही समय देश और दुनिया में किसी भी समाज का ऐसा अन्याय और दुनिया में हरकत नहीं हो, इस हेतु तत्काल आरोपियों को फांसी दी जाए, यह मांग की है। सिंह से।